गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जाह्नवी कपूर स्टार फिल्म मिली के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 4 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म मिली के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 4 की, तो फिल्म मिली का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 4 के अंदर 0.30 करोड़ का नेट एस्टिमेट कलेक्शन रहा है। इसी के साथ फिल्म मिली का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन 2.20 करोड़ का हो चुका है। दोस्तों फिल्म मिली की बात करें, फिल्म मिली जब रिलीज हुई थी तो फिल्म का जाह्नवी कपूर के फैंस का बेसब्री से इंतजार था। मेकर्स को भी फिल्म के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन फिल्म दर्शकों को अपने अपने थिएटर खींचने में नाकामयाब रही। आपको बता दें कि फिल्म मिली मलयालम फिल्म हेलन का हिंदी रीमेक है। मलयालम फिल्म हेलन को लोगों ने काफी पसंद किया था। इस फिल्म के लिए हेलन के डायरेक्टर मथुकुट्टू जेवियर को 67वां नेशनल अवार्ड मिल चुका है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि मथुकुट्टू जेवियर ने ही फिल्म मिली का डायरेक्शन किया है। दोस्तों फिल्म की बात करें तो फिल्म सस्पेंस से भरपूर है। ओल्ड फ्रीजर रूम में फंसी मिली क्या अपने घर सही सलामत पहुंच पाएगी या नहीं, जानने के लिए फिल्म देखिए। फिल्म मिली को 38 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। दोस्तों फिल्म मिली आपने देखी या ना देखी, आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैटरीना कैफ स्टार फिल्म फोन भूत के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 4 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म फोन भूत के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 4 की, तो फिल्म फोन भूत का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 4 के अंदर 1.30 करोड़ का नेट एस्टिमेट कलेक्शन रहा है। इसी के साथ फिल्म फोन भूत का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 9.30 करोड़ का हो चुका है। दोस्तों कैटरीना कैफ की फिल्म फोन भूत की बात करें तो इस फिल्म में वे पहली बार सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं। फिल्म को 4 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। दोस्तों इस फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज किया गया था तो दर्शकों ने इस फिल्म के ट्रेलर को काफी पसंद किया था, लेकिन अब फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखी जा रही है और फिल्म का बजट निकालना भी मुश्किल लग रहा है। दोस्तों गुरमीत सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म फोन भूत को 45 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। फिल्म में कैटरीना का रोल ठीक ठाक लगा है, पर ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी फैंस का दिल जीतने में नाकाम रहे हैं। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म में विलेन आत्माराम के किरदार में जैकी श्रॉफ नजर आ रहे हैं। फिल्म फोन भूत के ऊपर आपकी क्या राय है, आपने ये फिल्म देखी या ना देखी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म डबल एक्सल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 4 के बारे में। दोस्तों बात करें सोनाक्षी सिन्हा एंड उमा कुरैशी की फिल्म डबल एक्सल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 4 की, तो फिल्म डबल एक्सल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 4 के अंदर 6 लाख की कमाई रही। इसी के साथ फिल्म डबल एक्सल का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन 96 लाख का हो चुका है। दोस्तों फिल्म डबल एक्सल के बजट की बात करें तो फिल्म को 22 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। दोस्तों फिल्म डबल एक्सल बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई है। फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर 400 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। दोस्तों बॉडी शेमिंग के दर्द को बयां करती है फिल्म में शिखर धवन का भी अभिनय देखने को मिला है। फिल्म डबल एक्सल के ऊपर आपकी क्या राय है, आपने ये फिल्म देखी या ना देखी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था लेखा जो कहा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा, लाइक करिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉलीवुड के गलियारों से लेटेस्ट खबर के लिए जुड़े रहिए मेरे इस एंटरटेनमेंट न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।